हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और मज़ेदार मावा खीर। और इस खीर में फ्रेंड्स हम चावल तो डालेंगे ही, लेकिन साथ साथ ही इसमें डालेगा खूब सारा मावा। और इसी के कारण फ्रेंड्स ये जो खीर है वो बहुत ही पौष्टिक होती है और स्वाद में भी बहुत बढ़िया लगती है। और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स ये खीर आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम कोई भी मोटे तले की कढ़ाई ले लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 लीटर जितना फुल क्रीम मिल्क। तो जब भी फ्रेंड्स आप खीर बनाएं फुल क्रीम मिल्क लें, उससे आपकी जो खीर है वो गाढ़ी भी बनेगी और टेस्टी भी बनेगी। और दूध उबलता है तब तक फ्रेंड्स हम एक कटोरी में चावल ले लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 2 टेबलस्पून जितने कॉलम राइस लिए हैं, तो इसकी जगह फ्रेंड्स आप बासमती टुकड़ा राइस भी ले सकते हैं। और चावल को फ्रेंड्स हम 2 से 3 बार अच्छे से पानी में वॉश करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स हम इसे 10 मिनट के लिए भीगने देंगे। और अभी फ्रेंड्स देखिए दूध में बहुत अच्छा सा उबाल आना शुरू हो गया है। और अब हम ये जो भीगा हुआ चावल है वो इसमें ऐड कर लेंगे। तो चावल को फ्रेंड्स 10 टू 15 मिनट्स भिगाने से इसमें जो स्टार्च की मात्रा है वो निकल जाती है। तो आप ज़रूर भिगा के रखें चावल को। और अभी फ्रेंड्स लगातार हम इसे चलाते रहेंगे और खीर को फ्रेंड्स हमें बिल्कुल धीमी आँच पर पकाना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हम खीर को पकाएंगे और इस खीर को बनने में फ्रेंड्स 30 से 35 मिनट का समय लगेगा। और ये जो खीर फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ 4 व्यक्तियों के लिए बना रही हूँ। और ये फ्रेंड्स हम बना रहे हैं मावा खीर। तो अगर आप मावा घर पे बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो आधा लीटर अगर फ्रेंड्स आपके पास फुल क्रीम मिल्क है तो उसका 100 ग्राम के करीब मावा बनके तैयार हो जाता है। और मावा बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, तेज आंच पे दूध को जलाना है और 20 से 25 मिनट में फ्रेंड्स आपका मावा बनके तैयार हो जाएगा। तो आप ये भी मावा बनाने का एक रेसिपी भी ट्राई कर सकते हैं घर पर। बहुत ही आसान हो जाएगा आपको ये खीर बनाना। और अभी फ्रेंड्स देखिए लगातार हम इसे चलाते रहेंगे। बहुत ही मज़ेदार खीर लगती है फ्रेंड्स ये। और अभी देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा उबल आना शुरू हो गया है और धीरे धीरे दूध हमारा गाढ़ा भी होता जा रहा है। और अभी देखिए फ्रेंड्स 15 मिनट्स हुए हैं दूध को पकते हुए। और बीच बीच में फ्रेंड्स हम इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। और लगातार फ्रेंड्स हमें चलाने की ज़रूरत नहीं है, उसे 2 मिनट छोड़ देने का और इसके बाद फिर से एक बार चला लेने का। और अभी देखिए फ्रेंड्स 25 मिनट्स हो गए हैं दूध को पकते हुए। और अभी फ्रेंड्स हम इसमें ऐड कर लेंगे शक्कर। तो 3 टेबलस्पून जितनी हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। और शक्कर ऐड करने के बाद भी फ्रेंड्स हमें इसे लगातार चलाना है और 5 से 6 मिनट फिर से हम खीर को पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो शक्कर को पकाना भी फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी गाढ़ी हो गई है खीर हमारी। और ये जो दूध 1 लीटर हमने दूध लिया था वो आप देख सकते हैं जस्ट आधा लीटर हो गया है अभी। तो हाफ क्वांटिटी होने तक हमें दूध को पकाना है। और अभी देखिए फ्रेंड्स 30 मिनट्स हो गए हैं खीर को पकते हुए। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने 5 इलायची ली हैं। और इस तरह से आप खीर को थोड़ा कटोरी में डाल के इस तरह से मिक्स करके डालेंगे तो इक्वली ये जो इलायची है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी खीर में। और इस समय फ्रेंड्स आप चाहें तो थोड़ा सा जायफल या जावंत्री या केसर भी ऐड कर सकते हैं। और अभी देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 100 ग्राम के करीब खोया या मावा लिया है और ये मैंने अभी जस्ट घर पे ही बनाया है और ये हल्का सा गर्म भी है तो इसे हम इस तरह से डाल देंगे। तो मावा को ऐड करने के बाद फ्रेंड्स हमें गैस बंद कर देना है। और अभी फ्रेंड्स हमें लगातार इसे चलाना है। तो 3 से 4 मिनट फ्रेंड्स हम इसे चलाएँगे ताकि जो मावा है वो अच्छे से खीर में मिक्स हो जाए। और फिर फ्रेंड्स 3 से 4 मिनट ठंडा होने देंगे और इसके बाद एक
सर्विंग बाउल में हम खीर को ट्रांसफर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी गाढ़ी और कितनी बढ़िया खीर लग रही है हमारी। और अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक कोई छोटा सा तड़का पैन ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी बादाम और थोड़ी सी किशमिश। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितनी चिरौंजी और थोड़ा सा फ्रेंड्स हम इसमें घी लेंगे। गैस ऑन कर लेंगे और सिर्फ 30 सेकेंड्स फ्रेंड्स हमें इसे घी रोस्ट करना है। तो ड्राई फ्रूट्स को फ्रेंड्स आप थोड़ा सा घी में रोस्ट करके डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा और बहुत अच्छा सा क्रंच भी आएगा। और चिरौंजी फ्रेंड्स इसमें बहुत अच्छी लगती है खीर में, तो आप ज़्यादा चिरौंजी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अभी ये जो ड्राई फ्रूट्स है फ्रेंड्स हम इसमें खीर में ऐड कर लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मावा की खीर हमारी बनके तैयार है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही पौष्टिक। तो ये खीर फ्रेंड्स आप पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं, आप चाहें तो 2 पड़ी रोटी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं या फिर आप फुलका रोटी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये मावा खीर की रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मुझे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।